हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको जो वीडियो दिखाने वाला हूँ वो पहले वीडियो कभी नहीं दिखाया। आज जो बात मैं बताने वाला हूँ वो पहले कभी नहीं बताया। क्या है कि जब हम लोग इंडिया से कुवैत आते हैं तो इस साला दिमाग में बैठाते हैं साला बहुत अच्छा जगह होगा, एकदम साफ सुथरा बिल्डिंग होगा, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर जानवर समझते हैं जानवर, कुत्ता समझते हैं कुत्ता, पालतू गाय भेड़ बकरी, उन लोग को जिस तरह से रखा जाता है ना वैसे ही जगह पे तो हम लोग को वर्कर लोग को रखा जाता है। आज मैं उसी जगह पे आपको दिखाने वाला हूँ। वहाँ पे ना आपको मार्केट मिलेगा, ना मॉल मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं मिलेगा। एकदम पूरा रेगिस्तान मिलेगा, मतलब कि पूरा एकदम सिर्फ लेबर लोग को, वर्कर लोग। और वर्कर लोगों को क्या लगता है मालूम है, वो लोग सोचता है इससे बेहतर काम, इससे बेहतर जॉब कुछ है ही नहीं दुनिया में। और साल से एक एक साल, दो दो साल, तीन तीन साल, चार चार साल, सब कीड़ा मकोड़ा जैसे सब इधर ही पड़े रहते। पता नहीं उन लोगों को कैसे मन लगता। हमको भी जब आ रहे थे बहुत शौक था हमको, हमको इस तरह से मतलब कि मन भर गया हमको विदेश से, कुवैत से, कि मेरा दिमाग ख़राब हो गया। इसीलिए हम लोग इंडिया जा रहे हैं और हम लोग वीज़ा कैंसिल करने के लिए एक सोएबा एक जगह है, आज उसी को आपको दिखाएंगे कि किस तरह से वहाँ लोग रहते हैं एकदम जानवर जैसा। मतलब कि लोग के पास और कुछ दूसरा ऑप्शन नहीं है, लोग लास्ट एक ही ऑप्शन है, विदेश जाना है, पैसा कमाना है, फिर घर जाएंगे, पैसा कमा के पैसा खर्च हो जाएगा, फिर वापस विदेश आ जाएंगे। मतलब कि उन लोग के लिए कुछ फैमिली का वैल्यू कुछ नहीं है। कि फैमिली क्या होता है, इंडिया क्या होता है। इंडिया में जो है ना भाई, इधर आइएगा इंडिया को खो देंगे आप, इधर आएंगे तभी आप इंडिया को याद करेंगे, नहीं तो इंडिया में रह के आपको कुछ वैल्यू समझ में नहीं आएगा। ठीक है, और भी तो बहुत सारे लोग हैं इंडिया में कमा रहे हैं, आखिर उन लोग भी जिंदा है ना, वो लोग मर थोड़ी गए। तो मेरा तरफ से एक मैसेज है कि जो भी कर रहे हैं इंडिया में ही करना चाहिए। मैं भी इंडिया जाऊंगा तो मैं भी सोचा हूँ कुछ तो जरूर करूंगा, लेकिन इंडिया में ही रहूंगा, इधर मैं नहीं आऊँगा। ठीक है, आपको दिखाते हैं कि वो जगह कौन सा है जहाँ पे कैसा लोग जीते हैं, कीड़ा मकोड़ा जैसा। ठीक है, मैं वीज़ा कैंसिल करा चुका हूँ, मेरा 10-12 दिन में मेरा फ्लाइट होने वाला है, मैं वापस इंडिया जाने वाला हूँ और सारा डिटेल्स मैं आपको आने वाले वीडियो में दूंगा। ठीक है, तो चलिए देखिए कि किस तरह से कीड़ा मकोड़ा जैसे इधर लोग रहता है सोएबा में। मैं फ़िलहाल महबूला में था लेकिन सोएबा में दिखाते हैं आपको। ठीक है, ये है जो अरविना टेक कंपनी का ये हेड ऑफिस है, ये सोएबा में ही ये है। ठीक है, यहीं पे वीज़ा कैंसिलेशन करने के लिए हम लोग को जाना पड़ता है। ठीक है, वहाँ जैसे ही जाएंगे आप, उतरेंगे, आपको पूरा चारों तरफ सिर्फ गाड़ी ही गाड़ी दिखाई देगा, कम से कम 100-200 बस दिखाई देगा। ठीक है, वो के प्लांट के बाहर ही, मतलब कि थोड़ा ज़्यादा नहीं, प्लांट से बाहर ही में सोएबा में कैंप रखा गया है, जहाँ से बहुत मतलब कि नज़दीक है प्लांट। आप देख सकते हैं, प्लांट यहाँ से थोड़ा सा दिख रहा है। अगर आप पैदल जाएंगे तो 10 मिनट लगेगा, और अगर आप इसको मोबाइल से जूम करके देखेंगे तो आराम से आपको दिखाई देगा प्लांट यहाँ से। ठीक है, अगर चारों तरफ यहाँ पे अगर आप कैमरा घुमाएं, चारों तरफ आपको सिर्फ रेगिस्तान ही रेगिस्तान ही दिखाई देगा। ठीक है, और कुत्ता दिखाई देगा, बिल्ली दिखाई देगा, पक्षी एक भी नहीं दिखा, ना कुछ वहाँ मार्केट है, ना कुछ मतलब कि घूमने उमले जिस तरह इंडिया में होता है ना, कहीं भी जाओ आप, वहाँ पे जाओ इंडिया में चाय का टपरी मिलेगा, नाश्ता पानी करने के लिए ये मिलेगा, मार्केट मिलेगा, केला मिलेगा, ठेला मिलेगा, सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन साला यहाँ जानवर जैसा रहना पड़ता है हम लोग को। सिर्फ सुनने में लगता है कि साला विदेश जाएँगे, विदेश जाएँगे, सिर्फ साला पूरा शांत माहौल है। ये देखिए, ये सोएबा कैंप का ये मेन गेट है, यहाँ पर आपको पीला पीला बोर्ड में दिखाई देगा वॉच योर हेड। कभी अगर आपको आना होगा तो यहाँ पे एक बार ज़रूर आइएगा। मैं कंपनी को गाली नहीं दे रहा हूँ, मैं इंडियन वर्कर लोगों से बता रहा हूँ कि भाई इंडिया में ही तुम लोग कुछ कर लो, इतना दूर विदेश इतना परेशान होने के लिए मत आओ। यहाँ का ज़िंदगी देख के हमको बहुत गिल्टी फील होता है, बहुत घटिया फील होता है, ऐसा लगता है साला दो दो चप्पल मारे सबको सब इंडिया उड़ के चला जाएगा। देखिए कीड़ा मकोड़ा जैसा कितना आदमी रह रहा है बाहर में, पूरा जूता है, इधर बैठा हुआ है चाचा, ये चाचा तो 20 साल से इधर ही है, चप्पल है, जूता है, सिगरेट का कचड़ा, कचड़ा डब्बा, ढोंगरी, सब कुछ इधर ही मिल जाएगा। और एक एक रूम में भाई 10-10 आदमी रहते इधर, इतना बेकार ज़िंदगी है विदेश का, इतना बेकार ज़िंदगी है, मजबूरन हम लोग को आना पड़ता था। हम तो सोच लिए कि और ज़िंदगी में नहीं, ये चाचा देखिए नहा के बाहर गमछी पहना हुआ है, और आगे भी दिखाते हैं, सभी गैलरी है। ठीक है, दाएं बाएं पूरा रूम है, ज़्यादा बड़ा रूम नहीं है, छोटा सा ही है, लेकिन उसके अंदर में पूरा एकदम कीड़ा मकोड़ा जैसे 10-10 आदमी को भरा जाता है।
और उसमें रखा जाता है। कपड़ा सुखाने का भी जगह नहीं है। अगर आप गलरी में पार हो गए तो इतना सबका जूता स्मेल करेगा कि पूछो मत। इतना पाबंदी है, अगर आप एक दिन भी ड्यूटी एब्सेंट करोगे तो कंपनी आपका 2 दिन का सैलरी काटेगा। यहाँ आने का तो लोग आ जाते हैं लेकिन वापस इंडिया जाने में तेल निकल जाता है। सबका 50-60 हज़ार रुपया पेनाल्टी फाइन मारता है तभी इधर से जाने के लिए मिलता है। उसमें भी जाने के लिए भीख मांगना पड़ता है, पूरा पैर पकड़ना पड़ता है, गिड़गिड़ाना पड़ता है तभी इधर जाने के लिए पासपोर्ट देता है। तो देखिए बाहर निकल गए, इधर कितना गंदा है, कहीं साफ सुथरा नहीं है, ठीक है, पूरा एकदम कचड़ा है, एकदम इतना स्मेल करेगा आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। मुझे भी लगा था कि वहाँ जाएंगे तो एकदम बहुत बड़ा आदमी बन जाएगा, बहुत अच्छा होगा, तो पर भाई ऐसा कुछ नहीं है। विदेश सिर्फ सुनने में अच्छा लगता है। मैं आप लोग को ये रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर कोई आप आना चाह रहे विदेश तो कभी मत आना। हाँ, अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है पैसों का तो 1-2 बार आ सकते हैं, लेकिन हाँ 5-10 साल 6 साल 7 साल इधर टाइम काट के कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आपका फैमिली घर में आपका इंतज़ार कर रहा होता है, बहुत सारा ज़रूरत रहता है, आपको घर में बहुत सारा काम पड़ता है, कुछ काम पड़ जाएगा तो आपको कौन। अब रूम के अंदर भी आप देख सकते हैं हम लोग एक रूम में हैं और इतना सा छोटा सा रूम में 4 आदमी को रखा है, इतना कंजस्टेड होता है ना, लगता है साला मर जूता मारे सबको, सबको मार के और इंडिया चल जाए। देखिए ऊपर एक आदमी है, टंगना उंगना सब इधर ही है, इधर लॉकर है, छोटा सा रूम में पूरा कंजस्टेड लगता है, ठीक है। देखिए इतना ही सा रूम है, एक बेड इधर है, एक बेड उधर है, 2 बेड है, एक बेड में 2 आदमी रहता है। देखिए चलने टहलने के लिए इतना सा रूम है, और ये देखिए बेड के बगल में दरवाज़ा है, देखिए दरवाज़ा खुलेगा बस, इधर दरवाज़ा खुलेगा बस, कुछ नहीं है। एक आदमी इधर खड़ा रहेगा ना तो यहाँ पे, एक आदमी अगर यहाँ पे खड़ा रहेगा ना तो अंदर आदमी के अंदर दूसरा आदमी आने के लिए दूसरा हमको इधर से हटना पड़ेगा, तभी ये दरवाज़ा बंद होगा, ठीक है। सब कंपनी वाले इंडियन वर्कर लोग को भिखारी समझते हैं, लेबर समझते हैं, तो आप लोग से मेरी रिक्वेस्ट है कि इंडिया में ही कुछ ऐसा काम करो कि आपको दूसरे कंपनी का आगे नौकर का काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। अपना ज़िंदगी में कुछ अपना बिजनेस करो कि आपको इस तरह का विदेश का डिलर ज़िंदगी जीना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो दोस्त मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।